तो जैसा कि बागी 3 के लिए काफी ज्यादा मेहनत की गई है, खासकर यह फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ से जमकर मेहनत करवाई गई। इस वास्तव जहाँ टाइगर श्रॉफ ने सर्बिया में -7 डिग्री के बीच फिल्म की शूटिंग की और वह यहाँ पर जमकर कसरत करते हुए अपना बॉडी फैट भी 6% के नीचे लाए। ऐसे में ये तो पता चली गया कि यहाँ बागी 3 की शूटिंग के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी टाइगर श्रॉफ को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी फिल्म में दिखने वाले इन वेपन्स को उठाने के लिए। यहाँ तो रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि फिल्म के एक्शन सीन को रियल दिखाने के लिए यहाँ पर रियल में सारे गन्स लाए गए थे, और उसमें फिल्म के एक्शन सीन्स में टाइगर श्रॉफ को अपने दोनों हाथों से लगभग 5-5, 10-10 किलो के गन्स उठाने थे। तो जैसा कि दोनों ही हाथों से हवा में इतने भारी गन्स को उठाना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ का वेदर पहले से ही काफी ज्यादा अजीबोगरीब था, साथ ही 10-10 किलो के गन्स को उठाकर फायरिंग करना। इस दौरान भी टाइगर श्रॉफ की हालत काफी पतली हो गई, लेकिन जैसा कि हमें देखने को मिला कि टाइगर श्रॉफ ने इन सीन्स को किया है और बखूबी काफी शानदार तरीके से। तो जैसे कि बागी 3 के लगभग सारे सीन हमें रियल दिखेंगे और वे फिल्म में दिखने वाले गन्स और उनकी की गई फायरिंग भी रियल होगी। और इस बार बागी 3 में हमें टाइगर श्रॉफ कई सारे अलग अलग गन्स के साथ दिखेंगे, और समय जब बागी 3 में टाइगर श्रॉफ हमें हैंड टू हैंड काफी ज्यादा फाइट करते दिखेंगे, लेकिन गन्स के साथ टाइगर श्रॉफ को देखने ही काफी ज्यादा कमाल का रहा। और समय फिल्म में टाइगर श्रॉफ को इन भारी वेपन्स के साथ एक्शन करते देखना और भी ज्यादा कमाल का होगा। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।